हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन का ये चौथा सम आपके सामने लेके आया हूं मैं। सो इसमें है, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। ये एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का है। सो श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। मतलब 150 शेयर उसने खरीदा मार्केट वैल्यू 120 पे। देखो, फेस वैल्यू डिविडेंड से रिलेटेड है और जो शेयर्स का जो परचेज है वो आपका मार्केट वैल्यू से डिपेंडेंट। सो उसने बोला रेट ऑफ रिटर्न निकाले। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 150, फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज और डिविडेंड का परसेंटेज कितना है 7%। समझ रहे? आई होप इसका बेसिक्स आपको पता होगा। जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड वो एक तरीके का बोनस होता है। मतलब कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी में जो भी है, एक कंपनी है वो जो भी है, ये किसी कंपनी में आप कितने साल तक अपना शेयर्स वहां पे खरीद के रखे रहते हो, वो उसका आपको वो बोनस देते हैं कि आप भाई इतने साल तक हमारे साथ हो, आपको ईयरली हम इतना बोनस देते रहेंगे। तो वो बोनस को हम डिविडेंड बोलते हैं। बोनस के लिए टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड। अब होता क्या, रेट ऑफ रिटर्न निकालना। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब ROR इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, सो इसके लिए आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू कितना परसेंटेज, 7% ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 7% ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज 150। ये कट हो गया, सो 15 7 1050 हो जाएगा रुपीस। सो डिविडेंड कितना आ गया आपको, 1050 रुपीस। और सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर कितना है 120, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150, विच इज इक्वल टू 18,000 रुपीस। ठीक है, सो therefore रेट ऑफ रिटर्न ROR इक्वल टू डिविडेंड कितना है 1050 अपॉन 18000 इनटू 100। दो जीरो तो कट हो रहे हैं यहां से, सो आपके पास बचा, अच्छा ये एक जीरो इससे भी कटा, सो आपके पास बच गया है फाइनली 105 अपॉन 18%। 3 6 18, 3 3 9, 1 3 5 15, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, 35 अपॉन 6%। सो 6 5 30, 6 8 48, बेसिकली 5.83%। सो therefore रेट ऑफ रिटर्न ROR रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 5.833%। ठीक है, सो याद रखना, आप डिविडेंड हर दम फेस वैल्यू से कनेक्टेड रहता है, डिविडेंड का मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। और मार्केट वैल्यू डायरेक्टली आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो एक्चुअल सम इन्वेस्टेड आता है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। सो बढ़ते हैं अगले सम की ओर, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।